भाई लोग, कैसे हो आप सब? अक्सर आपने बेटा के बारे में सुना होगा। रुको 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 रुको, मैं किसी माँ के लाडले की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी अनिल कपूर के फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैं बेटा वजन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने अक्सर बेटा वजन के बारे में सुना होगा, तो आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा। ये कैसा वर्क करता है, ये इसे हमें हमारे फ़ोन में इनेबल रखना चाहिए या नहीं, आज इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं एक स्काई टेक्निकल। चलिए आज बेटा वजन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। सर, कई बार आप जब प्ले स्टोर ओपन करते होंगे तो आपको वहाँ पे बेटा ऐप्स शो होती होंगी, तो ये बेटा क्या है? इसे डेवलपर ने टेस्टिंग के लिए बनाया, या आप इसे एक टेस्टिंग फीचर भी मान सकते हैं, या टेस्टिंग फीचर भी बोल सकते हैं। और आपका हैंडसेट यदि बेटा वर्जन के लिए कंपेटिबल है, या बेटा एप्लीकेशन के लिए कंपेटिबल है, तो आप इजीली बेटा वर्जन वाली ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि आपने एक गूगल क्रोम नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड की है और आपने उसमें बेटा इनेबल किया है, तो कल जाके कैसा होगा कि यदि डेवलपर कोई उस एप्लीकेशन का अपडेट लाएगा या गूगल क्रोम का कुछ नए फीचर्स अपडेट करेगा, तो सबसे पहले ये आपको मिलेगा, मीन्स बेटा यूजर्स वाले को मिलेगा। और उसके बाद जो जैसे कि मैंने बताया, ये एक टेस्टिंग फीचर है, तो जब भी इस एप्लीकेशन के बारे में बेटा यूजर्स की तरफ से अच्छे फीडबैक मिलेंगी, तो फिर डेवलपर उसे ऑफिशियली बाकी लोगों तक लॉन्च कर दिया देगा या लॉन्च कर देगा। जैसा कि मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने हेडेक की टैबलेट निकाली, वो बिना टेस्टिंग के मार्केट में तो नहीं भेजेगा, तो वो पहले क्या करेगा, वो पहले सबसे पहले टेस्टिंग के लिए भेजेगा। और टेस्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू नहीं आया या कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, तो वो फिर मार्केट में उसे भेजेगा या अदर मेडिकल स्टोर में वो अवेलेबल कराएगा। एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसे हम डेवलपर मानते हैं, मेडिसिन को हम सॉफ्टवेयर मान लेते हैं, और जिसके पास हम टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं उसे हम बेटा यूजर मान लेते हैं। तो बस करता हूँ, ये एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो अब बचा सवाल कि हम बेटा यूजर्स कैसे बन सकते हैं। तो सबसे आसान बात है, आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, जैसे कि इनमें से कोई भी गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, व्हाट्सएप मैसेंजर हो गया, आईएमओ हो गया, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक बिकम अ बेटा यूजर के लिए एक बॉक्स दिखेगा, तो उसमें आपको आई एम इन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। कुछ देर के बाद आपको वेट करने के बाद आप उसके यूजर बन जाएंगे। तो सबसे लास्ट सवाल ये बचता है, और कंफ्यूजन भी यही है कि इससे आपकी मोबाइल की वारंटी को कुछ नुकसान तो नहीं होगा? ये गलत बात है दोस्तों। मेरे बहुत से दोस्तों ने बोला है कि भाई तू बेटा ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो उससे तेरी वारंटी ख़त्म हो सकती है, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक टेस्टिंग फीचर है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर कोई इश्यू आता है तो आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के डेवलपर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बस यही था वीडियो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके स्क्रीन पे एक मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा तो उसे टैप करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट में गेट वेल सून ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं फिजिकली डिसेबल हूँ तो मुझे आपसे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, और उसके साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।